दोस्तों, अगर आपका भी दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है और अब आप चाहते हैं उसको रिन्यू कराना, तो कैसे आपको उसको रिन्यू कराना है, उसके लिए आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, उससे जुड़ी हुई ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जब आपका इनकम सर्टिफिकेट की जो डेट है वो 6 मंथ की एक्सपायरी डेट होती है, यानी जब 1 मंथ रहने वाला है आपका एक्सपायरी डेट से, तब आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए, रिन्यू के लिए मतलब, आपको अप्लाई करना है। यानी अगर आपका एक्सपायरी डेट कंप्लीट हो जाती है तो आप फिर फ्रेश के लिए ही अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आपका जो डेट है एक्सपायरी डेट, 1 मंथ से पहले ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर जाना है। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जाना है लॉगिन और रजिस्टर के ऑप्शन पे। तो आपने पहले यहाँ पे लॉगिन किया होगा, तो आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और राइट कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर चुके हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखकर आप अपना पासवर्ड यहाँ से गेट कर सकते हैं। अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपका फॉरगेट हो चुका है तो आप उसको यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो हम बैक आते हैं और अपने लॉगिन आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड और राइट कैप्चा फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए, हम डैशबोर्ड पर जाएंगे जहाँ पे देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन शो करेगी। तो अब यहाँ पे देखिए, इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू करने के लिए आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको जाना है अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे जाना है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। तो यहाँ पे आपको इस सर्च करना है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, जो कि 7 नंबर पे यहाँ पे शो कर रहा है। नंबर हमारे चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये 14 डेज हमारा लगता है इसको बनने में। तो अप्लाई के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, हमारी बेसिक पर्सनल डिटेल शो कर जाएगी, इसको आपको एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए, हमारी डिटेल शो कर जाएगी, जिसको आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे हमारा फॉर्म रिलेटेड डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी होती है। तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए कुछ डिटेल फिल करनी होती है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन अपने देखने को मिलता है पर्पज, किस पर्पज के लिए आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एजुकेशन पर्पज के लिए, पेंशन पर्पज के लिए, या फिर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे राशन कार्ड के लिए। तो जो भी पर्पज है आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाने का, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चाहे आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पर्पज के लिए बना रहे हैं, तो उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी आप दिल्ली के अंदर आपका अपना घर है तो ओनर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंट के ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर रेंट के ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो कितना रेंट आप पे करते हैं वो आपको फिल कर लेना है। ये आपको मंथली के हिसाब से फिल करना है कि मंथली आप कितना रेंट दे रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे रेंट के बेस पे ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना बता रहा हूँ। साथ में ऑप्शन मिलता है वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशू अर्ली, तो इस ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस कर लेना है, क्योंकि हम रिन्यू के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करते हैं, आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपको फिल करना है इनकम सर्टिफिकेट का नंबर, जो आपका ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको फिल कर देना है। साथ में एनुअल इनकम कितनी है उस सर्टिफिकेट पे, वो आपको मेंशन कर देनी है। साथ में इशूंग अथॉरिटी किसने इशू किया है, जो कि तहसीलदार द्वारा इशू किया जाता है, तो आपको यहाँ पे तहसीलदार लिख देना है। इसके बाद ऑप्शन आता है अगर आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, तो आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आप कितना बिल पे करते हैं, यानी कितना बिल आया आपका लास्ट मंथ, वो आपको पे मेंशन कर देना है। अगर आपका जिस नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं आता है तो उनका ऑप्शन आप नो रखना है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो राशन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अदरवाइज आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे नो रखना है। इसके बाद सिक्स स्टेप आता है, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको यस करना है। कितना इनकम टैक्स पे करते हैं वो आपको फिल कर देना है, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नो रख लेना है। इसके बाद सेवंथ स्टेप आता है, आप मंथली अपने बच्चों का कितना फीस पे करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे आप जितना भी मंथली आप ये अपना फी पे करेंगे, उसी के हिसाब से आपको अपना जो एनुअल इनकम रहेगी आपका इनकम सर्टिफिकेट की, वो आपको मेंशन कर देनी है। एट स्टेप में आपको फैमिली की एनुअल इनकम आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो आप यहाँ पे अपना रेंट अमाउंट पे कर रहे हैं मंथली, साथ में जो आप बच्चों की फीस पे कर रहे हैं मंथली, उसका काउंट करके, यानी ईयरली हिसाब से काउंट करके आपको अपना एनुअल इनकम फिल करनी है। अगर आप ऐसे कर देंगे, आप मंथली इनकम कुछ फिल कर रहे हैं अपने बच्चों की और रेंट की, और जो
यहाँ पे एनुअल इनकम फिल कर रहे हैं वो कम फिल कर रहे हैं, तो आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसी बेस पे आपको अपना एनुअल इनकम यहाँ पे फिल करना है। आप चाहे जो आपका ओल्ड इनकम जो सर्टिफिकेट बनाया जितने का भी, उतनी भी आप यहाँ पे एनुअल इनकम अपनी फिल कर सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से आपको अपना यहाँ पे मंथली बच्चों का फीस और अपना जो रेंट अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। तो ये था रेंट वाले कैसे अप्लाई करेंगे। बात करते हैं जिसका अपना घर है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेकंड पॉइंट पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस वो अपना ओनर सेलेक्ट करेंगे। साथ में थर्ड स्टेप है इनकम सर्टिफिकेट इशू अर्लियर, इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देंगे, एनुअल इनकम कितना था लास्ट इनकम सर्टिफिकेट का वो मेंशन कर देंगे, इशूइंग अथॉरिटी जो कि तहसीलदार रहेगा वो फिल कर देंगे। फोर्थ स्टेप आता है अगर आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आता है तो यहाँ पे यस करना है। लास्ट मंथ कितना बिल आया है वो आपको फिल कर देना है, जो कि जीरो आपको यहाँ फिल नहीं करना है, कुछ ना कुछ बिल आता है वो आपने फिल कर देना है, अदरवाइज ऑप्शन को आपको नो कर देना है। फिफ्थ स्टेप आता है आप राशन कार्ड होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, राशन कार्ड का नंबर फिल कर देना है, अदरवाइज आपको इस ऑप्शन को नो कर लेना है। इसके बाद सेवंथ सिक्स स्टेप आता है टैक्स पे करते हैं तो यस कीजिए, कितना टैक्स पे करते हैं वो मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को भी आप नो कर दीजिएगा। सेवंथ स्टेप मंथली कितना फीस पे करते हैं अपने बच्चों का वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। एट स्टेप में आपको अपनी एनुअल इनकम कितनी है आपकी वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जितने का भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो ये डिटेल फिल करने के बाद इसके बाद डिटेल आती है मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेंबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक फैमिली मेंबर की डिटेल देनी जरूरी है, चाहे आप अपनी वाइफ की दें या फिर हस्बैंड की आपको डिटेल देनी है यहाँ पे, या फिर ब्रदर जो भी आपकी फैमिली में कमाता है उसकी एक डिटेल आपको देनी जरूरी है। अगर आप अपना यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो बना रहे हैं एजुकेशन पर्पज से, तो आपको अपने बच्चों की डिटेल भी यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले नेम फिल कर देना है एप्लीकेंट के, जो साथ में जो भी घर में है उसका रिलेशन क्या है एप्लीकेंट से, और मंथली इनकम कितनी है। मंथली इनकम मान लीजिए वाइफ की यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं तो उसकी इनकम हाउस वाइफ है तो जीरो रहती है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ फिल करना है, जीरो आपको फिल नहीं करना है। चाहे आप यहाँ पे 50 रुपीज फिल कर दीजिए या फिर 100 रुपीज फिल कर दीजिए। इसके बाद साथ में एड रोकेशन क्लिक करके आपको अपने बच्चों की डिटेल यहाँ फिल कर देनी है सेम तरीके से। उसमें आप मंथली इनकम चाहे 10 रुपए दे दीजिए, जीरो आप फिल करेंगे तो आपको एरर शो करेगा। तो इसके बाद डिटेल सारी फिल करने के बाद हमें कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट का स्टेप। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, तो मेरे जो स्टेप टू में जो मैंने अपना कंप्लीट किया है प्रोसेस उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं, तो आपको स्टेप टू के हिसाब से डॉक्यूमेंट शो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले शो कर रहा है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, प्रूफ ऑफ ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो देखिए दोस्तों अगर आपने सन कार्ड के ऑप्शन को भी यस किया था तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को, तो इसके सामने अपलोड के उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसमें मिलता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जनरेट, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आपके सामने एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाती है जिसको आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे एक टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है जो कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर होता है, इसमें आपकी एड्रेस डिटेल होती है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको डेट मेंशन होगी, प्लेस मेंशन होगा, साथ में यहाँ पे सिग्नेचर बेनिफिशियरी, तो एप्लीकेंट के यहाँ पे सिग्नेचर कर जाएंगे। तो आप सिग्नेचर चाहे पीडीएफ फाइल में डिजिटली भी कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि पीडीएफ फाइल में कैसे आपको सिग्नेचर करना है, उस वीडियो को देखकर आप सिग्नेचर कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है। तो आपको इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इसको पीडीएफ फाइल या जेपीजी फॉर्मेट में 200 केबी के डॉक्यूमेंट में रेडी कर लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के डॉक्यूमेंट को रेडी करने के बाद आप देखिए दोस्तों आप लॉग आउट हो जाते हैं, तो आपको दोबारा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, इस बार आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे। इस बार देखिए आपको क्लिक करना है पेंडिंग फॉर सबमिशन के ऑप्शन है, इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका इश्यूएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पेंडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम डॉक्यूमेंट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको वन बाय वन अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले अपलोड करना है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पे हमें अपलोड के उसमें क्लिक करना है। आप चाहे डिजी लॉकर से भी अपना डॉक्यूमेंट फेच कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे अपलोड के उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे हमें क्लिक करना है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में, सिलेक्ट उसमें क्लिक करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप फिल कर सकते हैं, आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड, बोथ साइड से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा आप यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर दीजिएगा, आप चाहे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल है वो फिल आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट, तो अगर आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें आप क्लिक करके अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट सेम टू सेम ऐसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट जो कि रहेगा हमारा इनकम टैक्स। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आपको पैन कार्ड जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपको फिल कर देना है। तो मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड का नंबर मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। साथ में आपको डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है फॉर्मेट जेपीजी या पीडीएफ रखना है, साइज मैक्सिमम 200 केबी रखना है। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेना है, टर्म एक्सेप्ट करना है और फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है।
क्लिक करते देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप व्यू के ऑप्शन में क्लिक करके डॉक्यूमेंट चेक भी कर सकते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट आता है प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो यहाँ पे अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें लास्ट 3 मंथ का यहाँ पे अपलोड करना है, तो लास्ट 3 मंथ का जो आपका बिल है वो यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट करना जो कि आपका अदर रहेगा। अदर डिपार्टमेंट नेम में आपका जो कनेक्शन प्रोवाइडर है यानी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइडर है उसका नेम आपको फिल कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको फिल करना है बिल नंबर। इसके बाद हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। साइज वही रहेगा हमारा 200 KB, फॉर्मेट PDF और JPG। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद टर्मिनल एक्सेप्ट करना है। अपलोड ऑप्शन क्लिक करके हमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो ये हमारा देखिए सेकंड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब बात करते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट की जो कि रहेगा हमारा प्रूफ ऑफ ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट। इसके सामने अपलोड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करते हैं जो कि हमारा प्रूफ रहेगा ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है ओल्ड उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, उसको साइन कर लेना है, उसके बाद इसको अपलोड करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट जो कि रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट का। इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट की फाइल अपलोड कर देनी है। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके करना है और अपलोड ऑप्शन क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट भी हमने अपलोड कर दिया है। अब बात करते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट जो कि रेजिडेंस प्रूफ है। यहाँ पे अपलोड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हमें सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, आधार कार्ड, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जिसमें भी आपका एड्रेस मेंशन है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमें ऑप्शन मिलता है एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट, तो आपको भी ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेगा अगर आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही देखिए डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा और हमें अपलोड करने की जरूरत भी नहीं होगी। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है सिर्फ नो कंटिन्यू विद एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे। क्लिक करते देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा जो कि मैंने आधार कार्ड अपलोड किया है। और यहाँ पे देखिए राइट क्लिक शो करेगा क्योंकि आधार कार्ड हमारा ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है, बारे की डॉक्यूमेंट हमारा रॉन्ग शो करेगा। अब बात आती है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की, तो यहाँ पे अपलोड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट डिक्लेरेशन ऑप्शन, सेलेक्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है अदर। अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको फिल करना है सेल्फ या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेल्फ फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको एप्लीकेशन टेम्प्रेरी आईडी नंबर होता है जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे होता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि सेम PDF JPG फाइल होनी चाहिए। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। इस बार परमिशन एक्सेप्ट करनी है और अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। तो हमारे देखिए सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब बात आती है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट की, तो देखिए दोस्तों अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन के ऑप्शन को यहाँ पे नो किया था तो आपको ऑप्शनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी अपलोड करनी होगी। लास्ट 3 मंथ की या 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। सेम तरीके से अपलोड ऑप्शन क्लिक करके आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। तो बात करें अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किया ऑप्शन को एस किया था तो आपको यहाँ पे कोई अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा फोटो का स्टेप। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की फोटो अपलोड करनी है। फोटो में आपको यहाँ पे देखिए मेरा फोटो पहले से यहाँ पे अपलोड है एप्लीकेंट का, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चूज फाइल का और अपलोड का, तो आप यहाँ पे अपलोड ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। फाइल का साइज 50 KB रखना है और फॉर्मेट हमारा JPG रहेगा। आपको अपना फोटो चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके फोटो अपलोड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एप्लीकेंट का फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद हमें कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जहाँ पे हमें वेरीफाई करनी है अपनी सारी डिटेल। जितने भी स्टेप अब तक आपने कंप्लीट किए हैं सारे आपको शो करेंगे। वन बाई वन आपको अपने सारे स्टेप यहाँ पे चेक कर लेने हैं। जो अपनी डिटेल है आप एक बार चेक कर लेनी है। डिटेल चेक करने के बाद उसको स्क्रॉल करना है और फिर फाइनल सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जहाँ पे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है, जिसको आपको OTP के ऑप्शन में फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के उसको आपको डाउनलोड कर लेना है या उसका प्रिंट निकाल के आपको अपने पास सेव रख लेना है। तो इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अंदर देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर होता है जो कि आपका सर्टिफिकेट नंबर भी होता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर मेंशन होता है, नेम ऑफ एप्लीकेंट रहेगा, अप्लाइड किस सर्विस के लिए अप्लाई किया वो शो करेगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन किस डेट में आपने अप्लाई किया है, और एक मेंशन होता है कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है मेंशन, उस पर आपको विदिन 7 डेज में आपको जाना है आपने सारे डॉक्यूमेंट लेके। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किए करते वक्त अपलोड किए हैं, चाहे वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, रेजिडेंस प्रूफ में, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का डॉक्यूमेंट, साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ओरिजिनल कॉपी भी इनके साथ आपके साथ होनी चाहिए, फोटो कॉपी भी। तो विदिन 7 डेज के अंदर आपको इस एड्रेस पे जाना है और अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पे वेरीफाई करा लेना है। वेरीफाई कराने के बाद विदिन 10 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है। रेडी हो जाने के बाद आपको उसको कैसे डाउनलोड करना है, उसे कैसे ट्रैक करना है, वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ जल्दी से।
तो देखिए दोस्तों, आपका सर्टिफिकेट बना है नहीं बना है इसी को चेक करने के लिए आपको जाना है रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स के अंदर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर सबमिशन स्टेटस, इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपने किस किस सर्विस के लिए अप्लाई किया है वो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हमने अप्लाई किया है एसेंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के लिए, तो हमने यहाँ पे कई बार अप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखिए हमने 5 times अप्लाई किया है, जिसमें एक टाइम जो हमारा अंडर प्रोसेस में है और बाकी 2 हमारा बन चुका है, 2 रिजेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो अभी हमारा अंडर प्रोसेस में यहाँ पे शो कर रहा है 1। अगर आपका अंडर प्रोसेस शो कर रहा है तो यहाँ पे देखिए अभी वो आपका अंडर प्रोसेस में है, आपने वो वेरीफाई नहीं कराया है। अगर वेरीफाई कराने के बाद कोई क्वेरी रेज हो जाती है तो आपको यहाँ पे 1 शो कर जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट आपको दोबारा अपलोड करना होगा। अंडर वेरिफिकेशन शो करेगा यानी वेरिफिकेशन आपका हो चुका है और आपका प्रोसेसिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, आपका सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हो गया है। अगर डिस्पोज के अंदर आपको शो कर जाता है एप्लीकेशन में यहाँ पे 1 या जो भी यहाँ पे शो करता है, तो आपका सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो चुका है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट में आपको 1 शो कर जाएगा, कैंसिल हुआ तो कैंसिल में आपको शो कर जाएगा। अगर आपका डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन में 1 शो करता है तो आपका सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो चुका है। उसको डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ से आपको अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप चाहे। अगर आपके पास आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपने डाउनलोड नहीं की है तो उसको भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो अब आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको प्रिंट के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे। इसके बाद आपको एंटर करना है सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वही आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। एंटर करना है एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ, सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा रहेगा इनकम सर्टिफिकेट का फाइनल प्रिंट, जिसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर होता है वो मेंशन होगा, आपके एड्रेस डिटेल मेंशन होगी और ये सर्टिफिकेट हमारा 6 के लिए वैलिड होता है। जिस दिन ये आपका इशू होता है उससे 6 तक आपका ये वैलिड रहता है और ये हमारा डिजिटल वेरीफाई रहता है। इसमें कोई स्टैंप वगैरह की आपको जरूरत नहीं है, कोई मोर वोर लगाने की। ये हमारा डिजिटल वेरीफाई किया जाता है तहसीलदार द्वारा, उसके सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे किए जाते हैं। तो ये हमारा फाइनल सर्टिफिकेट बनके रेडी हो जाता है। इसको आपको डाउनलोड करके कहीं भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट है।